Hey guys, this is Ansh and welcome to my channel. So ये मेरी अगली वीडियो है. इस वीडियो में बताने वाला आपको कि मैंने कंप्यूटर का प्रैक्टिकल फाइल जिसमें हमें टीचर क्वेश्चन दे दिए हैं, हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं विद द आउटपुट्स, वो मैंने कैसे तैयारी करी है. सो जो मेरी फाइल बनी है बहुत ही सिंपल फाइल है. उसमें जो मैं बेसिक चीज़ जो करनी पड़ती है वो है सीधे हमें क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है. इसमें क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, सोर्स कोड एंड देन द आउटपुट एंड दैट इज इट. और उसमें कुछ फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट सर्टिफिकेट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं ऐड करने पड़ते हैं एंड द बिब्लियोग्राफी टू. सो इसी चलिए इसी वीडियो में देखते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर के ये प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करी इन अ वेरी सिंपल वे एज ऑलवेज. सो जस्ट लाइक स्टार्ट द वीडियो एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया फ्रंट पेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अपने बाकी वीडियो देख सकते हैं कि फ्रंट पेज 2007, 2010, 2013 वगैरह पे केस बना सकते हैं ना वेरी सिंपल वे एज ऑलवेज. सो ये रहा वो फ्रंट पेज. आप देख सकते हैं स्कूल का नेम, लोगो, सिटी, सेशन एंड द टॉपिक एंड टीचर्स नेम एंड माई नेम. ये सब मैंने इस पर ऐड किया हुआ है. अगला पेज आता है सर्टिफिकेट का. इसमें आपको प्रिंसिपल का नेम भी ऐड करना पड़ता है और टीचर का नेम भी ऐड करना पड़ता है. तो इससे इन सब का फॉर्मेट आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा. जो उसका मेन कंटेंट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से. और फिर सीधे एक्नॉलेजमेंट है ये. इसी के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे सोर्स कोड वगैरह. जितने भी सोर्स कोड हैं वो सब हमारे ऐड हो जाएंगे यहाँ से. और हम सोर्स कोड के बाद ही यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन ऐड कर रखी है. आउटपुट स्क्रीन को मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लेकर मैंने इसमें ऐड करी है. स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको अगर विंडोज़ है आपके पास तो स्निपिंग टूल आता है, सब में स्टार्टिंग में डाला होता है स्निपिंग टूल, वो डाउन करिए और फिर एरिया सेलेक्ट करिए जितना आपको चाहिए, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा. अगर आपको C++ टर्बो C++ का विंडो मिनिमाइज़ करना है तो जो विंडो का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड पर, आप वो मिनिमाइज़ हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं मैंने सब में ये ऐड किया हुआ है. बस इन सब में ज़्यादातर ये सब कोडिंग ही है. और लास्ट में आता है हमारे पास बिब्लियोग्राफी. तो बिब्लियोग्राफी में डालना पड़ता है कि हमने कहाँ कहाँ से इसका जो कंटेंट वगैरह है हमने कहाँ कहाँ से इसकी हेल्प ली हुई है. तो मैंने डाला यहाँ पर जो हमारी 12th क्लास की बुक है सुमित अरोरा पार्ट 1 एंड 2, उसकी हेल्प ली है एंड google.com. सो गाइस दिस इज इट, फाइल फिनिश्ड. सो गाइस दिस वाज इट. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या फिर if you enjoy the video then drop a like for the video, share this video and most importantly if you are new to my channel please subscribe my channel for more interesting videos. And agar aapne mujhe instagram pe follow nahi kiya hai please follow kare mujhe instagram pe, mera instagram pe link ye raha. Aur aapko janna hai ki maine computer ke project file aur chemistry ya physics wagaire project file maine kaise taiyar kari wo maine is i button mein de rakha hai, wahan ja ke dekh sakte hain. So guys this is it and thank you for watching the video and do subscribe my channel.